गोदरेज रिजू 9 acres का लैंड पार्सल में आने वाला है और इसमें मेरे पास 5 towers है। टावर के फ्लोर्स का हाइट 18 फ्लोर से 22 फ्लोर तक वेरी होगा। यूएसपी इस प्रोजेक्ट का है वो है हेल्दी लिविंग। अब देखिए, हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो ऑलमोस्ट 1.25 साल पहले, बट आज आप देखेंगे कि हेल्दी लिविंग का इम्पोर्टेंस लोगों को फाइनली समझ में आ रहा है। सो फिटनेस क्यों जरूरी है, हेल्थ पे ध्यान देना क्यों जरूरी है, हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहना चाहिए, ना कि हमारा सिर्फ हमारा, हमारे बच्चों का, पेरेंट्स का, एल्डरली का। सो हेल्दी लिविंग हैज टू बिकम अ वे ऑफ लाइफ। हम ऐसा नहीं कि हमने 15 मिनट का थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, वॉक कर लिया, हम उसमें फिट खुद को समझने लगे, वैसा नहीं है। वी हैव टू बी फुल्ली फिट, एंड हर एज ग्रुप का फिटनेस का अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है, हेल्थ का अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है। आप देखेंगे कि आप शायद योगा करना चाहेंगे, बट छोटे बच्चे दूसरी एक्टिविटीज करना चाहते हैं, उनको गेम्स चाहिए। यंगस्टर्स है, उनको स्पोर्ट्स चाहिए, ठीक है। एल्डरली सिटीजन्स है, उनको और अलग टाइप का एरियाज चाहिए, उनको मेडिटेशन जोन्स चाहिए, उनको एक्वा एरोबिक्स में शायद इंटरेस्ट रहेगा। सो ये 9 acres में वी हैव ट्राइड टू गिव सो मेनी एक्टिविटीज रिलेटेड टू ऑल एज ग्रुप्स, और इसमें कई सारी एक्टिविटीज जो है वो आपको किसी दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं मिलेंगी। सो इफ यू सी द लिविंग इन कंप्लीट 9 acres इज माई USP, दैट इज यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। तो एक बार और मैं ये ईस्ट पुणे का मैप यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सी गोदरेज रिजू इसमें हाईलाइटेड है। आप अगर देखेंगे तो नियर बाय अराउंड 5 to 6 मॉल्स आर देयर जो मेरे प्रोजेक्ट से बहुत ही पास में है। सो हार्डली 10-15 मिनट्स ऑफ ड्राइविंग टाइम में आप वो सारे मॉल्स एक्सेस कर सकते हैं। सीजन मॉल नियर मगरपट्टा, अमनोरा टाउन सेंटर इन अमनोरा, फिनिक्स मॉल जो शायद पूना का सबसे बड़ा मॉल है वो विमान नगर में है, देन आपका मैरीप्लेक्स मॉल है एंड इनऑर्बिट मॉल है। ऐसे 5-6 मॉल्स है जो आपके क्लोज विसिनिटी में है ईस्ट पुणे में। देन देर आर लॉट ऑफ आईटी पार्क्स, इयोन आईटी पार्क है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, जेंसार की कंपनी है, सो दीज आर ऑल इन खराडी। देन आपका मगरपट्टा आईटी सेंटर है जिसमें आपकी बहुत सारी कंपनीज है, सेरिब्रम आईटी पार्क है, गीगा स्पेस वीक फील्ड है आपका विमान नगर में, हड़प्सर में भी आपके और आईटी पार्क्स है। फिर अगर स्कूल के बारे में बात करूं तो 2 नियरेस्ट स्कूल्स विच आर देयर क्लोजेस्ट टू आवर प्रोजेक्ट आर कल्याणी स्कूल एंड ऑर्बिस स्कूल। सो बोथ आर वेरी रेप्यूटेड स्कूल। कल्याणी स्कूल तो दिल्ली के एक इंस्टीट्यूशन के साथ टाइप में स्टार्ट हुआ है। देर इज विबग्योर हाई इन मगरपट्टा, पवार पब्लिक स्कूल है, SDFC स्कूल है, बिशप स्कूल इन कल्याणी नगर विच इज अ वेरी ओल्ड स्कूल, विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल है, सिम्बाइसिस इंटरनेशनल स्कूल है विमान नगर में। यू सी कम से कम 8 to 10 अच्छे ऑप्शन से स्कूलिंग के लिए somebody decides to stay in केशव नगर। आपके नियर बाय काफी सारे 5-star होटल्स भी है, रेडिसन होटल है खराड़ी में, हयात रीजेंसी है नगर रोड में, वेस्टिन होटल है कोरेगांव पार्क में, नोवेटल होटल है विमान नगर में। वेन यू कम टू हॉस्पिटल्स, देर आर अगेन गुड नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स। सो कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल है खराड़ी बाईपास रोड पे, वो सबसे पास में है। देन देर इज रक्षक हॉस्पिटल एंड नोबल हॉस्पिटल, वो भी पास में है आपका हड़प्सर एरिया में। एंड देन देर इज सह्याद्री हॉस्पिटल एंड काफी सारे आपके अपोलो के क्लिनिक्स है इन एंड अराउंड, सो हेल्थ केयर इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ये आपका ईस्ट पुणे का यूएसपी है। अब इसमें सबसे बड़ा एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, आपने जैसे देखा कोरेगांव पार्क और कल्याणी नगर में जैसी एक ब्रिज का कनेक्टिविटी आ गया, उसके बाद से कल्याणी नगर का प्राइस एकदम शूट अप हो गया। सेम आपका एक और ब्रिज अभी प्रपोज्ड है विच विल कनेक्ट खराड़ी एंड केशव नगर, PMC कॉर्पोरेशन के मीटिंग्स में पास हो चुका है, इसमें अभी प्लानिंग स्टेज चालू है, कुछ टाइम में इसमें कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होना चाहिए। सो टाइम पीरियड अभी कंफर्म नहीं है, बट वी एक्सपेक्ट कि समटाइम नेक्स्ट 2 to 3 years या उसके पहले भी ये ब्रिज हो सकता है। सो इसके और जैसे हमको अपडेट्स आएंगे कॉर्पोरेशन से विल अपडेट यू, बट इवन विदाउट दिस ब्रिज टेकिंग इन टू कंसिडरेशन, हमारे पास बाकी पूरा ईस्ट पुणे का एक्सेस है। और मैं सबसे बड़ा आपको ये पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा कि नगर या औरंगाबाद से जो हमारे कस्टमर्स आते हैं वो आपके नगर रोड से आते हैं। सो नगर रोड मेरे प्रोजेक्ट से बहुत ही पास में है, सो हार्डली 4-5 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर में मैं नगर रोड को टच कर जाता हूँ। सो दिस विल बी वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट्स दैट दे एनकाउंटर व्हेन दे एंटर इनटू द सिटी। तो उनको सिटी में एंटर करने की जरूरत भी नहीं है। आपके जो डिस्टेंसेज हैं, अब जैसे एयरपोर्ट का आपको मैंने बताया विमान नगर में है, तो वो पहुंचने को एक 30 से 40 मिनट लगता है।
अनदर डेवलपमेंट जो आने वाला है वो है हमारा मेट्रो. सो मेट्रो फेज टू दैट इज गोइंग टू कम फ्रॉम कोथरूड वनास एरिया से आपका नगर रोड पे फिनिक्स मॉल के पास रामवाड़ी करके एरिया है वहां तक आने वाला है. सो वो भी अपने प्रोजेक्ट से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे रहेगा. एंड मेट्रो डेफिनेटली इज गोइंग टू गेट एक्सटेंडेड फर्दर इनटू खराड़ी मगरपट्टा जोन और आगे वाघोली में भी जाएगा. उसके बाद तो अपने प्रोजेक्ट के और पास में आ जाएगा. सो दीज आर सम ऑफ द डेवलपमेंट्स विच आर गोइंग टू हैपन. अभी मैं 9 acres का जो हेल्दी लिविंग एम्यूनिटीज है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा. सो आप देखेंगे कि मिनिमम 2 acres का जो एक एरिया है पूरे 9 acres में से, उसको मैंने अलग से हेल्दी लिविंग एक हेल्थ पार्क के लिए डेजिग्नेट कर दिया है. इनफैक्ट सारी एम्यूनिटीज अगर मैं जोड़ू तो 2.5 से 3 acres तक एम्यूनिटीज जाती है विच आर देयर ओपन स्पेसेस एंड एम्यूनिटीज मिला के. तो हेल्दी लिविंग को हमने 3 parts में डिवाइड किया है. सी देयर आर आउटडोर एलिमेंट्स ऑफ हेल्थ क्लब. आप अगर देखेंगे तो आप अगर सिर्फ जिम में एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो दैट बिकम्स बोरिंग आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम. सो पीपल वॉन्ट टू एक्सरसाइज आउटसाइड. बाहर जाके नेचर में लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं. सो सम एलिमेंट्स वी आर गिविंग ऑफ हेल्दी लिविंग जो आपको किसी प्रोजेक्ट में नहीं मिलेंगी. सो फॉर एग्जाम्पल हम 100 meters का एक वॉक ऑफ लाइफ देने वाले हैं. सो इस 100 meter के वॉक ऑफ लाइफ में आपके 6 zones होंगे. तो अराउंड 15 से 20 meters का एक जोन होगा. सो ये होगा आपका सैंड होगा, छोटे स्टोन्स का एक जोन होगा, वाटर होगा, ग्रास होगा, वुड होगा और एक ग्रेवल होगा. तो इस कंटिन्यूसली 6 zones पे जब आदमी चलता है उसको बहुत ही हेल्दी और रिज्यूनेटेड फील होता है. सी आप सुबह सुबह घास पे चले होंगे, आप जब सैंड पे चलते हैं तो आपको एक अलग एक्सरसाइज का फील आता है, लेकिन जब आप कंटिन्यूसली ये 6 zones में चलते हैं ना, सो एक आपका पूरा रिज्यूनेशन होता है. सो बहुत कम लोगों को ये वॉक ऑफ लाइफ का एक्सेस है उनके घरों में. सो वेरी फ्यू प्रिविलेज पीपल हैव दिस एक्सेस. सो दिस एक्सेस इज गोइंग टू बी देयर फॉर रिज्यू रेसिडेंट्स उनके प्रोजेक्ट में बना हुआ है. फिर मैं कुछ और यूनिक एम्यूनिटीज है वो हाईलाइट करना चाहता हूँ. जैसे देर इज 1 kilometer ऑफ साइकिलिंग जॉगिंग ट्रैक. आप देखेंगे नॉर्मली जॉगिंग ट्रैक साइकिलिंग ट्रैक 200 meter 300 meter का रहता है और उसमें वो बहुत बोरिंग सा हो जाता है क्योंकि वो छोटा सा रहता है. एंड यू उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है क्योंकि कई सारे कस्टमर्स एक साथ वॉक पे निकलते हैं सुबह के टाइम पे. सो ये 1 kilometer में काफ़ी सारा आपका स्पेसिंग भी होगा, लोग अपने आप में डिस्टेंस रख पाएंगे. सो यू सी हाउ दीज थिंग्स हैव बिकम इम्पॉर्टेंट नाउ. सो वी हैव टू मेंटेन द राइट लेवल ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द अदर पर्सन एज वेल. फिर हमारे पास दैट इज कॉल्ड समथिंग एज क्रॉसफिट ट्रैक है. सो 600 meters का क्रॉसफिट ट्रैक है. सो क्रॉसफिट ट्रैक में क्या होता है, आपके ये 600 meters में अलग अलग सेट ऑफ एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज होती है. तो आप थोड़ा सा रन करते हैं, फिर आप नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाते हैं, फिर आप उसमें पुशअप्स पुलअप्स या क्या क्या आपका हॉरिजॉन्टल बार्स है उसमें एक्सरसाइज करते हैं, फिर आप नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाते हैं. सो ये जो आप कंटिन्यूसली थोड़े थोड़े देर में आपका एक्सरसाइज का पैटर्न बदलते हैं, उससे आपकी अलग अलग मसल्स को एक्सरसाइज मिलता है और इससे आदमी ज़्यादा जल्दी फिटनेस ये कर सकता है. देन वी आर हैविंग एरियाज विच विल बी देयर फॉर अर्बन फार्मिंग. हमारे पास हर्ब गार्डन्स है विद सोशल डेक. वी आर गोइंग टू हैव एन आउटडोर जिम. सी आप देखिए कितने प्रोजेक्ट्स में आपको आउटडोर जिम मिलता है. तो अगर मैं हेल्दी लिविंग आउटसाइड आउटडोर एम्यूनिटीज की बात करूँगा तो इतनी सारी आपको एक्टिविटीज मिल रही है. सी इसके अलावा वी आर गोइंग टू गिव यू गोल्फ पुटिंग जोन्स. ठीक है. देन With 1 kilometer of cycling jogging track, हम आपको 30 bicycles भी देने वाले हैं so that residents के लिए सुबह सुबह easy cycling का option available है. और ये नहीं कि कभी आपका मन किया तो मैंने cycle खरीद ली फिर आप उसको use नहीं कर रहे हैं. So all that cycles will be there available on shareable basis. ठीक है. So when I go further into this outdoor activities, there is outdoor yoga deck. Then there is golf putting, aqua aerobics. Now aqua aerobics क्या होता है, आपके स्विमिंग पूल में इंस्ट्रक्टर्स आपको एक्सरसाइजेस करवाते हैं. अगर आप स्विमिंग पूल में नॉर्मली पैदल भी चलेंगे ना तो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट क्योंकि वाटर रेजिस्टेंस देता है. तो इससे आपका फैट बर्निंग ज़्यादा ईजी होता है एंड इज अ वेरी प्लेजेंट एंड सिंपल एक्सरसाइज. नॉर्मली जो आपको कैलोरीज जितनी बर्न होती है 4 से 5 kilometer वॉक करके, वो आपको बहुत कम डिस्टेंस कम टाइम और एफर्ट में आपका एक्वा एरोबिक्स में बर्न हो जाता है. सो वी आर गोइंग टू हैव आउटडोर कैफे
एंड वी आर गोइंग टू हैव आउटडोर मूवी स्क्रीनिंग एट अ ग्रीन एमपी थिएटर, सो जहां आपकी मूवीज रेगुलरली कस्टमर्स आपस में डिसाइड करके स्क्रीन कर सकते हैं। देन फॉर किड्स, अब ये तो जो एक्टिविटीज अभी तक मैंने बताई दीज आर फॉर एल्डरली सीनियर सिटीजन यंग कॉलेज पीपल एंड हमारे जैसे लोगों के लिए। सो बच्चों के लिए हम क्या क्या स्पेसिफिक एक्टिविटीज लेके आने वाले हैं, सो देर इज गोइंग टू बी अ मल्टीपर्पज एलईडी कोर्ट। नाउ जो आपका एक कोर्ट रहता है कई बार वो डेजिग्नेटेड हो जाता है कि आप ये कोर्ट में सिर्फ बास्केटबॉल खेल सकते हैं या ये कोर्ट में आप सिर्फ टेनिस खेल सकते हैं या वॉलीबॉल खेल सकते हैं। हमने एक मल्टीपर्पज एलईडी कोर्ट बनाने का प्लान किया है जिसमें आपकी एलईडी लाइट्स होती हैं अलग अलग। अब बास्केटबॉल कोर्ट की मार्किंग्स अलग होती है, वॉलीबॉल की मार्किंग्स अलग होती है, तो जो स्पोर्ट आप डिसाइड करना चाहते हैं वो आपकी एलईडी लाइट्स ऑन हो जाती है और पूरे कोर्ट में आप एक नया टाइप का गेम खेल सकते हैं। सो दिस कोर्ट विल गेट अडेप्टेड एज पर द कस्टमर्स नीड व्हाट स्पोर्ट ही वॉन्ट्स टू प्ले। फिर इसके साथ साथ हमने एक स्केट पार्क दिया है। नाउ स्केटिंग हैज बिकम अ वेरी पॉपुलर एक्टिविटी विथ ऑल द किड्स नाउडेज, ठीक है। देन देर इज अ स्मॉल क्रिकेट पिच एंड देर इज अ मिनी फुटबॉल कोर्ट। सो इफ यू सी वी हैव ट्राइड टू एनकरेज किड्स टू प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। अब कई प्रोजेक्ट्स में सिर्फ एक टेनिस कोर्ट होता है या तो एक हाफ बास्केटबॉल कोर्ट होता है। So we have tried to promote different types of sports there because kids want new activities at a regular time interval. Same देखिए हमने kids pool अलग से दिया हुआ है with slides जैसे आपके amusement park में होती है। Then there is rock climbing wall, tree house and kids play zone with interactive fountain. आप देखेंगे rock climbing जैसा amenity हमने दिया है, तो this gives a kind of resort feel to this project. So there are many amenities which are there for kids and they will really love to be here. In fact, हमने एक छोटा सा अलग जोन दिया है जिसमें kids आपके outdoor games खेलेंगे। So जो आपका एक traditional games होते थे जो हम हमारे बचपन में खेलते थे, आजकल बच्चों को खेलने के लिए वो जगह ही नहीं मिलता project में। So we are thinking of so many things which can be given the kids and they have a healthy and happy life in this project. अभी मैं आऊंगा इंडोर एलिमेंट्स पे। इंडोर एलिमेंट्स में व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू गिव लॉट ऑफ एक्टिविटीज विच आर देयर विच आर नाउ बीइंग अडॉप्टेड बाय मेनी आईटी प्रोफेशनल्स। सो आपने सुना होगा देयर समथिंग कॉल्ड एज अ सस्पेंशन ट्रेनिंग, उसका फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। देन देयर इज ताई ची, ताइक्वांडो एंड जुम्बा क्लासेस। ये जो एक्टिविटीज है ये कई सारे आईटी प्रोफेशनल्स के लिए आजकल बहुत पॉपुलर है। So they go out of their project to different places and उसमें आपका travel time involved होता है, उसमें कई बार आपके classes miss हो जाते हैं। तो जब ये activities आपके project में होंगी तो customers will be able to dedicate time and regularly take benefit from these activities. इसके अलावा मैं एक squash court दूंगा, वो एक normal squash court नहीं होगा, उसमें एक digital display रहेगा जो आपके सामने की wall नहीं रहेगी, वो एक digital screen रहेगा। अब इमेजिन कीजिए आप एक डेड वॉल पे कंटिन्यूअसली स्क्वॉश का बॉल मारे जा रहे हैं, इट बिकम्स वेरी बोरिंग। सो आफ्टर वीक 15 डेज पीपल टेंड टू ऑप्ट आउट। बट अगर उसमें एक डिजिटल वॉल रहेगा तो मैं उसमें कितने सारे गेम्स प्ले कर सकता हूँ। सो आपने ब्रिक्स का गेम खेला रहेगा, सो फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स बन गए पूरे डिजिटल वॉल में। सो आप कंटिन्यूअसली आपके बॉल से वो ब्रिक्स ब्रेक डाउन कर सकते हैं, या आपके सामने एक मूविंग टारगेट है तो मूविंग टारगेट को आप बॉल से टारगेट कर सकते हैं। आप आपका पॉइंट्स दोनों का मेंटेन कर सकते हैं जिस कॉम्पिटिटर के साथ आप खेल रहे हैं। सो एक नॉर्मल गेम ऑफ स्क्वॉश है विच इट्सेल्फ इज वेरी हेल्दी। वी हैव ट्राइड टू मेक इट एंटरटेनिंग आल्सो बाय गिविंग दिस डिजिटल स्क्वॉश कोर्ट। इफ यू सी इन ऑल देर आर 24 एमिनिटीज जो पूरे आपके प्रोजेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैंने आपको मेजर एमिनिटीज सारी बता दी है, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस लिस्ट। ये डॉक्यूमेंट आपके साथ भी शेयर किया हुआ है। You can use this USP brochure to highlight why my project is different from other normal projects. See, this project has a luxury feel to it. ये सारी amenities जो है ये सब है, इसको करने में खर्चा जाता है, ठीक है। ये आपको आसानी से नहीं मिलती है, इनको construct करने में maintain करने में खर्चा जाएगा। So we have tried to give a luxury feel to the project. That's why दिस प्रोजेक्ट इज नॉट अ नॉर्मल प्रोजेक्ट कि हाँ आपने एक छोटा क्लब हाउस बना दिया, आपने थोड़ी एक्टिविटीज दे दी और आपका एक घर है। सो पीपल हु आर लुकिंग स्पेसिफिकली फॉर अ हेल्दी लिविंग, हेल्दी लाइफ स्टाइल, उनके लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है। मेरे पास 5 टावर्स है। पहला टावर है T7,
T7 के नीचे मेरे पास रिटेल शॉप्स है अराउंड 13 इन नंबर। ये मेरा मेन रोड है जो आपका यहाँ से एंट्रेंस होता है, केशव नगर एरिया से आता है। ये प्रोजेक्ट के सामने जहाँ पे ये ग्रिड बना हुआ, यहाँ पे गोदरेज इन्फिनिटी है। फिर मेरे पास T8 टावर है, T9, T10 और T11 टावर्स, और ये एमिनिटीज सारी आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड। जो मैं 2 acres का हेल्थ पार्क की बात कर रहा था, ये मेरा सेंट्रल एमिनिटी जोन है। उसके अलावा मेरे पास और बहुत सी एमिनिटीज है जो बाकी अलग अलग एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। थर्ड पार्ट में आता हूँ हेल्दी लिविंग का। पहला था आपका आउटडोर एलिमेंट्स, सेकंड था आपका इंडोर एलिमेंट्स जो हमने ये सब देखा, जो आपके क्लब हाउस के अंदर हेल्दी एक्टिविटीज होंगी। तीसरा है होम्स, हेल्दी होम्स। सो होम्स के अंदर मैं क्या क्या हेल्दी लिविंग के एलिमेंट्स आपको दे सकता हूँ। आई एम गोइंग टू गिव यू समथिंग व्हाट इज कॉल्ड एज एंटी बैक्टीरियल टाइल्स। ये एंटी बैक्टीरियल टाइल्स कहाँ पे आएंगी? आपके वॉशरूम्स में आएंगी, बालकनीज में आएंगी, सो बेसिकली वेट एरियाज में आएंगी। एंटी बैक्टीरियल टाइल्स में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कोटिंग रहता है जो नॉर्मली आपके जर्म्स को किल करने में हेल्प करता है। फिर मैं आपको हीट रिफ्लेक्टिंग ग्लास देने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आरओ वाटर प्यूरिफायर रहेगा, देयर विल बी एयर प्यूरिफाइंग प्लांटर्स इन द बालकनी, एंड आई एम गोइंग टू समथिंग कॉल्ड एज एयर प्यूरिफाइंग पेंट। अब एयर प्यूरिफाइंग पेंट और नॉर्मल पेंट में फर्क क्या रहता है? एयर प्यूरिफाइंग पेंट में कैपेसिटी होती है काफ़ी सारे पोल्यूशन को अपने आप एब्जॉर्ब करने की। अब इमेजिन कीजिए, जस्ट एक इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया इन अ रूम विद एयर प्यूरिफाइंग पेंट, एंड ही ऑल्सो स्मोक इन अनदर रूम जहाँ पे एयर प्यूरिफाइंग पेंट नहीं था। जहाँ पे वो पेंट नहीं था, वो स्मोक का स्मेल, उसका थोड़ा पोल्यूशन वहाँ पे अभी भी था, बट जो एयर प्यूरिफाइंग पेंट वाला रूम था उसने उसका काफ़ी सारा पोल्यूशन और उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स थे उसको एब्जॉर्ब कर लिया था। सो ये सारी चीज़ें, एंटी बैक्टीरियल टाइल्स, एयर प्यूरिफाइंग पेंट, कई लोगों को पता भी नहीं है। सो फॉरगेट एनीबडी ऑफरिंग इन देयर प्रोजेक्ट, ये कई सारी चीज़ें पता भी नहीं थी। नाउ आप देखेंगे कि 3 से 5 साल में काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं, सो उसको ध्यान में रखते हुए वी आर गिवन इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स इन द प्रोजेक्ट। वी आर गोइंग टू गिफ्ट 2 electric buses टू दिस प्रोजेक्ट, एंड द रेजिडेंट्स विल हैव एक्सक्लूसिव राइट हाउ टू यूज दिस 2 buses। अब इमेजिन कीजिए, उन्होंने सुबह में एक बस को खराड़ी, विमान नगर, कल्याण नगर वहाँ पे भेज दिया, और दूसरे बस को मगरपट्टा, अमनोरा और ये साइड भेज दिया ऑफिस में ड्रॉप के लिए। सो आपके पास एक आपका पर्सनल व्हीकल इन अ वे रहेगा जो जो आपके रेसिडेंट्स है आपस में डिसाइड करके उसको यूज कर सकते हैं। सो इससे एक आपका हेल्दी कम्यूट भी हो जाएगा और आपका ट्रैफिक में भी हेल्प मिलेगा, आपको ट्रैफिक में जाने की जरूरत नहीं है। सो दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली फॉर द रेसिडेंट्स। देन वी आर ट्राइंग टू गिव समथिंग कॉल्ड एज गोल्फ कार्ट्स फॉर सीनियर सिटीजन्स। नाउ समटाइम्स जो सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, दे फाइंड सम ऑफ देम हैव डिफिकल्टी इन वॉकिंग। तो कई बार अगर आप लेट से टावर 11 में आपका घर है और आपको गेट तक जाना है, तो उनके लिए वो बहुत डिफिकल्ट होता है। हमने देखा है कि ये सारी एमिनिटीज रिजॉर्ट्स में बहुत यूजफुल रहती है, सो वी आर गोइंग टू गिव दिस गोल्फ कार्ट आल्सो फॉर सीनियर सिटीजन्स। आपके प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है, अभी मैं फ्लैट, बाकी तो सब ठीक है, मैं आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में हाईलाइट करना चाहूंगा कि दिस प्रोजेक्ट इज नॉट अ नॉर्मल कंस्ट्रक्शन, दिस इज गोइंग टू बी एलुफॉर्म और माइवन टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ माइवन और एलुफॉर्म कंस्ट्रक्शन? वन इज देयर इज लेस लीकेज एंड सीपेज इन दिस। The life of the structure is very high. Normal अगर आप project देखेंगे तो 50 से 60 साल चलता है, उसके बाद उसका redevelopment का सोचना पड़ता है। जो एलुफॉर्म या माइवन टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर है वो आपका कम से कम 100-125 years तक रहता है, उसके बाद उसके में redevelopment करने का सोचना पड़ता है। So basically एक customer जब यहाँ पे घर खरीद रहा है तो he is buying a house with double the lifespan. और पैसे वो डबल नहीं दे रहा है, उसने अपने नेक्स्ट जनरेशन का अगर मैं लाइफ अज्यूम करता हूँ 100 इयर्स है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए पूरा उसने उसका फ्यूचर सिक्योर कर लिया, ठीक है। अभी इसके अलावा वाटर वी आर गिविंग स्पेशल फीचर्स विद इन द अपार्टमेंट। सी ऑल द फिटिंग्स आर गोइंग टू बी गुड फिटिंग्स। सो जैगुअर रहेगा, आपकी टाइल्स तो स्पेशल नहीं है, एंटी बैक्टीरियल टाइल्स एंड ऑल दैट। We are going to give pre-hung factory made woolen doors, ठीक है, modular switches by Lee Grant company. So all the provisions, fitting and specifications are of premium nature in this project.
what special features I am giving in with the apartment. I am going to give a video door phone with intercom, which will help in security. I am giving RO water purifier. I am giving modular kitchen cabinets below the platform. I am giving solar water connection in master bed toilet. I am giving pipe gas connection provisions, inverter within the flat. So all these amenities are there within the flat and they will help us in healthy living. ठीक है, अभी एक मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, पास टावर 7 में उसके नीचे 14 शॉप्स है. इसमें से कुछ शॉप्स ऑलरेडी बिक चुके हैं, बचे हुए शॉप्स का मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा. सो रिजू के जो शॉप्स है उसका पोजीशन आने में करीब 2 साल है. सो ओवरऑल प्रोजेक्ट का पोजीशन व्हाट वी आर थिंकिंग इज वी विल बी एबल टू गिव पोजीशन सम टाइम बाय जून 2022, तो विच इज अराउंड 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ. एक साल का कंस्ट्रक्शन हो चुका है और प्लिंथ से सेकंड फ्लोर स्लैब तक मैं आ चुका हूँ. ये हो गया मेरा डिटेल्स अबाउट द एमिनिटीज एंड हेल्दी लिविंग. सो कई सारी एमिनिटीज मैं एक और बार बताऊंगा, कई सारी एमिनिटीज है जो आपके कहीं अवेलेबल नहीं होंगी. सो आर यू एबल टू सी द स्क्रीन नाउ? आई एम गोइंग टू शेयर द फ्लोर प्लान नाउ. सो अभी मेरे पास जो पहला यूनिट है वो है 2 BHK रेगुलर. सो ये 703 स्क्वायर फीट कारपेट का जाता है. इसको मैं थोड़ा सा और जूमिंग करता हूँ, तो जो मेरा लिविंग डाइनिंग है इसमें जाता है 16 एंड हाफ बाय 10 का, किचन जाता है 9 बाय 7 का. ठीक है, इसको अटैच्ड एक बालकनी है लिविंग के साथ और 2 बेडरूम्स है, एक है 10 बाय 10 का और एक है 10 बाय 11 का. जो मास्टर बेडरूम है उसके साथ अटैच वॉशरूम आएगा और दूसरे में कॉमन वॉशरूम, फिर यहाँ पे ड्राई बालकनी भी है. सो इफ यू सी देर आर 2 balconies and 1 dry balcony, देयर इज अ एंट्रेंस फॉयर ऑल्सो गिवन टू हैव प्राइवेसी इन द लिविंग एंड डाइनिंग. सो ये मेरा सबसे छोटा यूनिट है, दिस इज गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अभी मैं 2 BHK रेगुलर से 2 BHK लार्ज पे जाता हूँ. 2 BHK लार्ज में मेरा लिविंग डाइनिंग बढ़ के हो जाता है 19 बाय 11 एंड हाफ. ठीक है, फिर इसमें लिविंग के साथ एक बालकनी आता है और जो दूसरा बालकनी आता है वो या तो किड्स बेडरूम के साथ आता है, मास्टर बेडरूम के साथ आता है. सो मास्टर बेडरूम के साथ वाले बालकनी के बहुत सारे यूनिट्स मेरे बिक चुके हैं. सो देयर इज वेरी लिमिटेड इन्वेंट्री. नाउ देयर इज मोर इन्वेंट्री विद किड्स बेडरूम, वेयर बालकनी कम्स विद द किड्स बेडरूम. सो इसमें बेडरूम का साइज बढ़ के 10 बाय 11.5 और 11 बाय 11.5 हो जाता है. ठीक है, कार्पेट एरिया मेरा जाता है 824 स्क्वायर फीट. सो somebody who is looking at 2 BHK large for end use, खुद के लिए जो रहने के लिए सोच रहा है उसके लिए ये अच्छा ऑप्शन है. 2 BHK रेगुलर इस जिसका थोड़ा बजट कंस्ट्रेंट है, जिसको क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट करके देखना है, सो दैट ही कैन लुक. सो 2 BHK रेगुलर का कॉस्ट जाता है 74 lakhs, 2 BHK लार्ज का कॉस्ट जाता है समवेयर अराउंड 84 lakhs. सो 10 लाख रुपए का डिफरेंस है. फिर मैं आता हूँ 3 BHK पे. सो जो मेरा 3 BHK का कारपेट है वो जाता है अराउंड 1040. इसमें देखिए आप लिविंग डाइनिंग है 19 बाय 11 का. यू हैव अ बालकनी विच इज फिक्स्ड विद द लिविंग डाइनिंग. मास्टर बेडरूम इज 10 बाय 12 एंड हाफ और उसकी भी बालकनी फिक्स्ड है. इसके अलावा मैं 2 और बेडरूम देता हूँ और जो मेरी तीसरी बालकनी है 3 BHK में वो या तो किड्स बेडरूम के साथ आएगी या 3rd बेडरूम के साथ आएगी. ठीक है, सो वी आर गिविंग दिस यूनिट 3 BHK विद 3 balconies. आई डाउट एनी प्रोजेक्ट इज देयर विच हैज मोर देन 2 balconies. जनरली 2 ही balconies दी जाती है. हमने इसमें और थोड़ा हेल्दी लिविंग स्पेस आउटडोर से कनेक्शन के लिए हमने 3 balconies दी है. तो ड्राई बालकनी इसमें अलग है. तो आपको अगर आसानी से याद रखना है रूम साइजेस, तो इट इज वेरी सिंपल. एक बेडरूम है 10 बाय 10 एंड हाफ और एक बेडरूम है 10 बाय 11 एंड हाफ और तीसरा बेडरूम है 10 बाय 12 एंड हाफ. तो 10-10 फीट से वो बढ़ते जाता है. लिविंग डाइनिंग आपका 19 बाय 11 है, किचन आपका 10 एंड हाफ बाय 7 का है. ठीक है, एंड देयर आर 3 balconies. तो 3 BHK का जो मेरा कॉस्ट आता है दैट इज 1 crore 8 lakhs. प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड.